सब्सक्राइब कीजिए होम शेफ चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए मजेदार सी रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। आज हम बना रहे तौसे की घारी। तौसे की घारी बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन काकड़ी आधा किलो, गेहूं का आटा 300 ग्राम, चावल का आटा 1.5 टेबल स्पून, चीनी 300 ग्राम, सफेद तिल 1 टेबल स्पून, नमक आधी टी स्पून, इलायची पाउडर आधी टी स्पून, एक गिलास पानी यानी 250 मिली। तलने के लिए तेल जरूरत के अनुसार। सबसे पहले ककड़ी काटेंगे। ककड़ी को हमने अच्छे से धोकर लिया है, दोनों तरफ से ककड़ी को साइड से काटेंगे। अभी ककड़ी को लंबाई में दो हिस्से बनाएंगे। ककड़ी के अंदर जो बीज है वो चम्मच की मदद से पूरी बीज निकालेंगे। बीच निकाल के हो गई। अब हम इसके मीडियम साइज के टुकड़े बनाएंगे। और ककड़ी कुरच लेंगे। इसी तरह से हम पूरी ककड़ी कुरच लेंगे। ककड़ी का पीछे का ग्रीन हिस्सा हम फेंक देंगे। ये सब ककड़ी कुरच के हो गई। अब खुरची हुई काकड़ी में हम चीनी डालेंगे, चावल का आटा डालेंगे, सफेद तिल डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, गेहूं का आटा डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और चम्मच से हिला के बैटर को मिक्स करेंगे। एंड बीटर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे बैटर में जरा भी लम्स न रहे। तवशे की घारी का बैटर बनकर तैयार हो गया। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया, गैस के आंच मीडियम करेंगे और चम्मच से घारी का बैटर डालेंगे। घारी को हम सेलो फ्राई करेंगे। हमें जितनी छोटी बड़ी चाहिए उसी तरह उसी हिसाब से बैटर डालेंगे। ये घारी एक तरफ से पककर हो गई। अब हम इसे पलट लेंगे। इसी तरह हम तौसे की घारी बनाएंगे। ये घारी का बैटर हम एक हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में बैटर रहेगा तो घारी अच्छी और बनती है। ये मजेदार सी तौसे की घारी, आसान सी रेसिपी, कम इंग्रेडिएंट में बनने वाली कोंकणी रेसिपी जरूर देखिए, जरूर ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मजेदार रेसिपी पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए।